दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेट यानी भार या वजन से रिलेटेड यूनिट्स को। दोस्तों ये यूनिट्स आपको पता होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप कभी मार्केट में कोई भी वस्तु या सामान खरीदने जाते हैं तो वह वस्तु या तो आपको पैक्ड अवस्था में मिलती है या फिर खुली अवस्था में। यदि वह चीज़ आपको पैक्ड अवस्था में मिलती है तो उसके रैपर पर उसका वेट लिखा होता है, वो चीज़ या तो किलोग्राम में होती है या फिर ग्राम में होती है। अगर वो चीज़ आपको कोई खुली अवस्था में मिलती है तो दुकानदार उसको वजन करके यानी तौल करके आपको देता है। तो इसलिए इन सब यूनिट्स का ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मिलीग्राम की। तो एक मिलीग्राम कितना होता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक मिलीग्राम होता है 1000 माइक्रोग्राम के बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि एक मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों जनरली आपको माइक्रोग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आपको मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्राम की। दोस्तों एक ग्राम कितना होता है? एक ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं किलोग्राम की। तो किलोग्राम कितना होता है? एक किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर, या हम कह सकते हैं कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा आधा किलो। आधा किलो कितना होता है? तो आधा किलो होता है 500 ग्राम का। जब एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो आधा किलो में कितने हो जाएंगे? आधा किलो में होंगे 500 ग्राम। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्विंटल की। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक क्विंटल कितना होता है। तो एक क्विंटल होता है 100 किलोग्राम के बराबर, या हम कह सकते हैं एक क्विंटल होता है 100 किलोग्राम का, या इस तरह से हम कहें कि एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक टन कितना होता है। तो एक टन होता है 1000 किलोग्राम का, यानी कि एक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं कि एक टन होता है 10 क्विंटल के बराबर, यानी कि 10 क्विंटल मतलब 1000 किलोग्राम। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड इसके पहले मैंने लेंथ मेजरमेंट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण इकाइयों की 2-3 वीडियो और अपने चैनल पर अपलोड की थी, जिन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी आप उन वीडियो को देखें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।